यमुनानगर दे विच एक बार फिर तबाही दा मंजर वेखण नूं मिलिया जदों नदी दा बन्न टुट गया ते हड़ आ गया। लोकां दे घरां दे विच पाणी वगण लग गया, गलियां नदियां दा रूप धारण कर गईयां ते खेत भी जल मगन हो गए। पीड़ित लोकां ने रो रो के अपनी हड बीती दसी कि किस तरह उन्हां ने अपनी जान बचाई अते घरां तो निकल के छत्तां ते चढ़े। इस मौके लोकां दे घरां दा सारा समान पानी दी भेंट चढ़ गया। इस दौरान एक व्यक्ति नूं करंट भी लग गया, पर गनीमत यह रही कि उसका जानी नुकसान नहीं होया, जिवें तिवें करके लोकां दे वल्लों उस व्यक्ति नूं बचा लिया गया। इस मौके लोग राशन पानी नूं भी तरस गए ने। दरअसल यमुनानगर जिले के खूना वाला पिंड दे विच चार दिनों के अंदर अंदर यह दूजी बार तबाही का मंजर वेखण नूं मिलिया, जिस दे नाल लोकां दी रूह कंब जावेगी। बसंती सोन नदी का बन एक बार फिर टूटिया है। बन टूटण तो बाद जो खौफनाक तस्वीरां सामने आई ने वह वाकई ही डराउण वाली ने, जा फिर कह लईए कि प्रशासन के मुँह ते चपेड़ मारन वाली ने। पर इस दे नाल पीड़ित लोकां दा दर्द घट नहीं होने वाला। 11 अगस्त नू सोम नदी दे विच उफान आया सी। बिलासपुर अते चिछरौली दे विच दो बन्न टुटे सन, जिसकी वजह करके दर्जना पिंड जलमगन हो गए सन। सब तो ज्यादा नुकसान खूना वाला पिंड दा होया सी। हालांकि अजे पिंड दे लोकां दे जख्म अजे भरे नहीं सन के 15 अगस्त नू एक बार फिर पिंड दे विच पानी दी आजादी वेखण नू मिली, जो रुकण दा नाम ही नहीं लै रहा सी। पूरे पिंड दे विच पानी ने घर घर जाके पीड़ित लोकां नू खूब परेशान किया। लोकां ने घरां दा समान छत्तां दे उत्ते पहुंचाया ते बाल्टियां भर भर के घरां दे विचों पानी कढ़िया गया। पिंड दे विच सड़कां दरिया बन चुकिया ने। यह हालात खूना वाला पिंड दे ने। चार दिन के अंदर दूजी बार इस पिंड दे विच पानी ने अपना तांडव मचाया है, पर प्रशासन नू पिंड दे लोकां दी कोई फिकर नहीं है ते ना ही उन्हां दी हुण तक कोई मदद की गई है। लोकां दी मदद लई सिर्फ समाज सेवी संस्थावां जां फिर गुरुद्वारे दे प्रबंधक कमेटियां ही हुण अग्गे आ रही ने, जो घर घर जाके लोकां नू राशन मुहैया करवा रही ने। पीड़ित लोकां दा कहना है कि उन्हां दा सारा समान इस पानी दे कारण बर्बाद हो गया। लोकां ने रो रो के अपनी हड बीती दसी ते कहा कि उन्हां दीआं फसलां दा भी बहुत ज़्यादा नुकसान होया, पर प्रशासन वल्लों हुण तक उन्हां दी कोई सार भी नहीं लई गई। पीछे से पानी आया नदी में और हमारे घर में सारे में बढ़ गया, बड्डों में बढ़ गया, पेटियों में बढ़ गया, बर्तन कपड़े सब बह गए, बेघर हो गए। इन्ने कला 3.5 लाख तक सारा पानी पै गया समान भी। बस क्या कहना चाहोगे, किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? बेटा ये पानी आया ना पीछे से, पीछे से पानी आया, पानी के साथ हमारे घरों में बढ़ गया, पेटियों में, बेडों में, सब कुछ नुकसान कर रहा है। हमारे को बाहर से लोग रोटियां दे रहे हैं खाने के लिए। कब से हालात ऐसे हैं? ये हो गया पिछले एतवार को और सोमवार तक रहा, 2 दिन बंद रहा, आज फिर आ गया, आज के दिन फिर आ गया। क्या कहना चाहोगे सरकार या अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? बेटे देखो हम दुखिया हैं, जो हमारी जो सहायता कर सकते हैं करण। इससे पहले भी हुआ कभी ऐसे? ना, इस अगले सालों में कभी नहीं हुआ। इस हफ्ते के अंदर अंदर जो कुछ हुआ इसी हफ्ते में अंदर हुआ। मेरे आदमी नु करंट लग्या 11 तारीख को, मर्दे मैंने बचाया, सारी कोई सुनाई नहीं दी है। हाले तक घर सारा बर्बाद हो गया जी। कल सरकारी में लेके गए, एक ग्लूकोज चढ़वाया बोतल, और फिर उसके बाद कहते घर ले जाओ अपने, वहाँ पर तो छोड़ के आ गए। फिर टेम्पो करके हम यहाँ, जो पैसा लेता हो लोगों के तो पैसे मांग मांग के ऐसी गुजारा कर रहे हैं, ना चीनी ना पत्ती कुछ नहीं। ये तो गांव वाले बेचारे रोटी पानी दे रहे तो हम खा रहे हैं, नहीं तो सरकार ने हमें बिल्कुल नहीं पूछा, ना पूछ रहे हैं बिल्कुल भी। हमें कोई मदद नहीं दे रहे, मदद दो हमें, कहीं से ले आकर मदद दो, हमारा कुछ करें। बच्चे हमारे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे, सब सवेरे भूखे बैठे हैं, लंगर अभी भी ऐसे पिया, कोई दिल नहीं करा खाने नू। दसो जी सारी हेल्प करो जी सरकार नू, बस एक ही हमारे बच्चे छोटे छोटे हेल्प करो। पानी आया जी, दोबारा पानी आ गया, राती थोड़ा बहुत समान गिला सी अंदर से अंदर लग्या, सवेरे उसी टाइम फिर आ गया जी पानी। घरदियां नू बड़ी मुश्किल से कोठे चढ़ाया, टुट नहीं सकते, कुछ भी नहीं, असं अंदर नहीं जा सकते, सब कुछ बर्बाद हो गया। मदद कौन कर रहा है आपकी? कोई नहीं मदद करता, बस यही बेचारे पिंडा ने गोपाल मोचन तो गुरुद्वारे गुरुद्वारे वाले दे रहे जी लंगर, कोई नहीं सानू कोई सुनाई नहीं।
ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਪਾਣੀ ਤੋੜ ਦਿਆ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਇਨਵੇਟਰ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾ ਕੋਈ ਇਸਮੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। 6 ਦਿਨ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰ ਪਾਣੀ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਣੀ 3 ਦਿਨ ਮਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਸੋਏ ਕੋਲ ਕਹਾਂ ਥਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਮਾਪੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਾਇਰਿਆ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਮੱਚਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਸਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਮੇਂ ਪੱਥਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਸਕੀ ਪੇਚਿੰਗ ਕਰਕਾ ਸੀਮਟਰ ਜੋ ਬਜਰੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਇਆ ਤੋ ਰੁਕਾਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਾ। ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਯਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਰੇ, ਜੋ ਯਹਾਂ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇਗਾ ਮਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸਾੜੀ ਸੜਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦੀ, ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਦੋ 10-10 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ।